हेलो भाई, क्या हाल है सभी के। नमस्कार एक बार सभी का। आज हम जो है गणित का एक बहुत शानदार टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसके सवाल जो है आजकल डायरेक्ट एग्जाम में आने लग गए हैं। और उसका जो शॉर्ट मेथड है, सबसे ज्यादा जो सबसे इजी मेथड है, वो क्या हो सकता है, उन पे हम बात करेंगे। तो सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो क्लास को एंड तक देखिएगा। हमारे पास जो टॉपिक है वो काफी शानदार है। कंटीन्यूड फ्रैक्शन जो एक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है आजकल, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे सवाल आपने बहुत देखे होंगे एग्जाम के अंदर, और ऐसे सवालों को करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, तो हम इन पे चर्चा करेंगे। ऑफलाइन स्टूडेंट्स ये सब पढ़ चुके हैं मेरे से बहुत बार, लेकिन वापिस एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो नए स्टूडेंट है उनको समझने की जरूरत पड़ेगी भैया। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस प्रकार की फ्रैक्शन को, इस प्रकार की भिन्न को कहते हैं कंटीन्यूड फ्रैक्शन, लगातार भिन्न कहते हैं इस प्रकार की कॉन्सेप्ट्स को। तो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, सबसे कम समय में ऐसे सवाल हम कैसे कर सकते हैं, और टाइम बचाकर हम ऐसे सवालों को कैसे कर सकते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं सब। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, क्या तरीका हो सकता है, उस तरीके को आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले ये जो भिन्न होती है ना आपकी, इसको आप ऐसा कैसा लिख लो, एक और तीन, लिख लिया भैया। इस भिन्न को ऐसा का ऐसा आप लिख लीजिए भैया। ठीक है, अब हम चलेंगे ऐसे नीचे से ऊपर की ओर हम चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर हम चलते हैं। और ये देखिएगा, यहाँ पे एक था, सॉरी, ये देखिएगा एक, और वापिस एक, और यहाँ पे वापिस क्या आ गया, एक। ये जो चिन्ह है ना साहब, वो माइनस के भी आ सकते हैं, माइनस प्लस मिक्स के भी आ सकते हैं ये चिन्ह। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं, सभी सवालों की हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, सारे सवाल हमारे पास है, इसमें कहीं चिन्ह तीन दो एक भी आ गया, कहीं माइनस का चिन्ह आ गया, कहीं माइनस का, कहीं प्लस का आ गया। ठीक है, जितने भी प्रकार के ऐसे सवाल होते हैं सबको करने की हम कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि सबका बेस्ट मेथड क्या हो सकता है सॉल्व करने का। तो हम पहले सवाल की बात करते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, एक और तीन जो भिन्न होती है ना, उसमें पहले एक लिखा और फिर हमने क्या लिखा, तीन लिखा। ठीक है, ऐसा कैसा आपने चिपका दिया। अब हम क्या करेंगे, देखना, नीचे से चलेंगे ऐसे, ये जो एक है ना साहब, उसको हम लिख देंगे इसके ऊपर। यहाँ पे कोई भी संख्या हो, हमें सेकंड नंबर के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम कहाँ लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे और ऊपर। इस नंबर को हम कहाँ लिख देंगे, थोड़ा और आगे लिख देंगे यहाँ पे। इतनी बात आपको समझ में आई भैया। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इस तीन को करेंगे इस एक से गुणा, तो क्या आएगा भैया, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन और एक इसमें जोड़ दो। देखो इनको तो करना पड़ेगा गुणा, और यहाँ पे जो नंबर मिलेगा गुणा करने के बाद में वो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो तीन एकम है तीन, और तीन और एक कितना हो गया, चार हो गया। तो यहां पे कितना आ जाएगा साहब, चार आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या किया है मैंने, वापिस देखना, ये जो संख्या है ना इसको हम करते हैं ऊपर वाली से गुणा, तीन एकम है तीन, और इसमें कर देते हैं हम इसको एड। ठीक है, तीन एकम तीन, तीन और एक चार, ये चार हम कहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे, चार एकम चार, चार एकम है चार, इसको करते हैं गुणा और इसमें हमें जोड़ देते हैं। तो चार एकम चार, और चार और तीन कितना आ जाएगा, सात। ये सात हम कहां लिख देंगे साहब, यहां लिख देंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि भैया एक बार और गुणा करने वाला आपके पास आदमी है। सात को इस एक से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा भैया, सात, सात एकम सात आता है, सात को इस चार में हम जोड़ देंगे, तो सात और चार कितना आ जाएगा, ग्यारह आ जाएगा। तो फिर अंत में आपको क्या मिला, आप कहोगे सर अंत में तो मुझे मिला क्या, ये वाला सात और ए ग्यारह। तो उत्तर क्या आ जाएगा, सात बट्टे ग्यारह, यही इसका क्या है, उत्तर है। डायरेक्ट ट्रिक आप इसे मान सकते हैं, जो भी आप मानना चाहें वो मान सकते हैं। सीधा सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता इसका तरीका कोई भी सोल्व करने का। ठीक है, आगे देखिएगा, ऐसे सवालों की बात करते हैं जिसमें अगर मान लो माइनस का चिन्ह आ जाए, तब हम क्या करेंगे, समझने की आप कोशिश करिएगा। सबसे पहले इस भिन्न को एज इट इज आपने लिख दिया, क्या लिखेंगे साहब, एक और कितना आ गया, तीन लिख दिया ऐसा कैसा। अब देखो, अब ये चिन्ह किसका है, माइनस का है, किसका चिन्ह आ गया सर, माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है, और जब माइनस का चिन्ह आ गया तो इस पूरे को पकड़ना है, यहां पे का क्या लगा दिया आपने, माइनस का एक। ठीक है, उसके बाद में चिन्ह किस, देखो ऐसे चलना नीचे से ऊपर की ओर, फिर हम लेंगे प्लस एक, क्या लेंगे, प्लस एक, यहां पे क्या लगा दिया हमने, प्लस एक लगा दिया।
फिर वापिस ऊपर चले, क्या मिला? माइनस एक। क्या मिला? माइनस एक। तो वापिस हमने क्या लगा दिया? माइनस एक हमने लगा दिया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? देखिएगा आगे वही तरीका, तीन को इस एक से गुणा करेंगे, क्या आएगा साहब? माइनस का तीन आएगा ना? अरे आएगा कि नहीं आएगा? या फिर आप ऐसे कर सकते, देखो तीन को एक से गुणा करो, तीन एकम तीन आ गया। अब चूंकि माइनस का चिन्ह होता है ना, चिन्ह किसका होता है? माइनस का चिन्ह होता है, तो आप क्या कर दोगे? इस एक को इसमें से घटा दोगे। पहले प्लस का चिन्ह था ना, तो आप क्या करते? जोड़ रहे थे इसमें। अब चिन्ह किसका आ गया? माइनस का आ गया, तब आप क्या करोगे? घटाओगे। तो तीन को एक से गुणा कर दो, तीन को एक से गुणा कर दो, तीन इसमें आप क्या करोगे? घटा दोगे। तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ? तीन में से ही घटाएंगे दो आ जाएगा, वो आप यहां रह दोगे। ठीक है, मुझे बताओ, दो एकम है दो, दो एकम है दो, ये होते हैं गुणा और ये इसमें जुड़ता है। दो एकम दो और दो में कितना जोड़ देंगे? तीन। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? पांच मिलेगा। समझ गए बात को? पांच एकम है पांच, पांच एकम है पांच, माइनस का चिन्ह घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा? तीन। तो पांच बट्टे यहां पे क्या आ गया? तीन। ऐसे फ्रैक्शन मिलेगी ना अपने को, क्या आ जाएगा? पांच बट्टे तीन, इसका क्या है? परम सत्य आंसर है सर, ना इससे कम आएगा ना इससे ज्यादा इसका उत्तर आएगा। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, क्या उनका तरीका हो सकता है बेस्ट सोल्व करने का? आप समझने की कोशिश जरूर करिएगा ऐसे तरीकों को। ठीक है भैया, देखिए साहब, व्हाइट पेन है कोई बात नहीं। देखो क्या करना है, सबसे पहले ये एक बटे तीन है, ऐसा कैसा लिख लिया? एक तीन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम चले नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। पहले क्या आया साहब? तीन आया, हमने यहां पे क्या लगा दिया? तीन लगा दिया। फिर क्या आया? दो आया, हमने यहां पे क्या लगा दिया? दो लगा दिया। फिर क्या आया? एक आया, हमने यहां पे क्या लगा दिया? एक लगा दिया। प्लस का चिन्ह है ना सब में, माइनस का चिन्ह आ जाए तब बात अलग है, लेकिन अभी किसका चिन्ह चल रहा है? प्लस का चिन्ह चल रहा है, तब हम सिर्फ प्लस का लगा देंगे। क्या करेंगे बताओ? तीन तीन नौ, नौ और एक है दस, ये तो गुणा होता है, और यहाँ पे जो गुणा करने के बाद जो नंबर आता है उसको हम इसमें जोड़ते हैं। नौ एक दस, ये दस कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। समझ गए? दस दुने बीस, बीस और तीन कितना आ जाएगा? तेईस। तो तेईस हमें यहाँ पे लिख देंगे। समझ पाए मेरी बात को? तेईस एकम है तेईस, तेईस और दस है तैतीस, तो तैतीस कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे मिल गई, इसे नाम क्या दे दिया हमने? तेईस बट्टे तैतीस, ये इसका क्या है? आंसर। ये इसका क्या है? आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम गमन करते हैं। क्या है अगला सवाल, आप देखने की कोशिश करिएगा। देखो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या आई? एक बट्टे चार, हमने एज इट इज फ्रैक्शन को चिपका दिया, एक और चार। ठीक है, उसके बाद देखो अब तक यहाँ पे एक एक चल रहा है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पे दो आ गया, यहाँ पे तीन आ गया, चार आ गया, तब हम क्या करेंगे? उसके बारे में भी बात कर लेंगे। एक बट्टे चार को ऐसा क्या चिपका दिया हमने? ऐसे चलो, ऐसे चलो। जब हम ऐसे जाएंगे ना, पहले क्या लिखेंगे? दो, इसके ऊपर लिख दो। फिर क्या लिखेंगे? तीन, इसके आगे लिख दो। फिर क्या लिखेंगे? दो, वापस इसके आगे लिख दिया। ठीक है, जहां तक सोल्व कर सकते हो वहां तक सोल्व करने की कोशिश आप करें साहब। ठीक है, मुझे बताओ, चार दुने आठ, आठ और एक है नौ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नौ आ जाएगा। नौ तीरे सत्ताईस, सत्ताईस और चार है इकतीस, इकतीस कहाँ लिख देंगे? यहाँ आ जाएगा। इकतीस दुने बासठ, बासठ और नौ कितना हो जाएगा? तिहत्तर, सॉरी बासठ और कितना हो जाएगा? इकहत्तर। तो इकहत्तर कहाँ आ जाएगा? तो इकतीस बट्टे इकहत्तर ही इसका क्या है? आंसर है सर, यही फॉर्मूला चलना चाहिए यहाँ। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? काफी शानदार क्वेश्चन आज के। चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम वाई में लेने की कोशिश करते हैं और आप देखेंगे काफी शानदार मेथड। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या कर सकते हैं बताने की कोशिश आप जरूर करना। एक बट्टे चार को हमने ऐसा का ऐसा ले लिया, एक बट्टे चार आ गया सर, कोई बड़ी बात मैंने नहीं बताई अब तक आपको। ठीक है, पहले क्या मिला? तीन मिला, तो हमने तीन कहां लगा दिया? इसके ऊपर। फिर माइनस का दो मिला, देखो इस माइनस के चिन्ह को मत भूल जाना, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस का दो। फिर वापस यहाँ पे क्या मिल गया? माइनस का एक, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस का एक लगा दिया। कितनी बात आप समझ गए? चलो चार तीये बारह, बारह और एक तेरह, चार तीये
बारह, बारह और एक है तेरह, तेरह हमने कहां लगा दिया, यहां पे लगा दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तेरह दुने छब्बीस, तेरह दुने छब्बीस, छब्बीस में चार जोड़ेंगे घटाएंगे, आप बोलोगे सर घटाओगे, लेकिन किसका है, माइनस का। तेरह दुने छब्बीस, छब्बीस माइनस का चार कितना होता है, बाईस होता है, तो बाईस आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। बाईस एकम बाईस, बाईस एकम है बाईस, बाईस में से क्या घटाएंगे, तेरह घटाएंगे, तो कितना बचेगा, नौ बचेगा, तो नौ कहां आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा। बाईस में से तेरह घटाने नौ बच जाएगा, तो फ्रैक्शन कितनी आ गई, बाईस बटे नौ, ये इसका क्या है आंसर, पहले बाईस फिर नौ, ये इसका क्या है आंसर, ठीक है। चलो, काफी शानदार तरीके, काफी शानदार सवाल, डोंट वरी अबाउट इट। देखो इसकी मैं बात कर लेता हूं, ये सवाल क्या कहता है और हम इसको देखने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो साहब, वही सवाल है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है, इसमें ये बड़ा बड़ा बड़ी बड़े फ्रैक्शन नहीं, यहाँ पे एक आता है ना, वो एक यहाँ पे नहीं दे रखा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तरीका वही है, लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। देखो थोड़ा सा अलग इसका उत्तर आएगा, और कुछ नहीं है। जैसे ये वाली लाइन होती है ना, इसमें ये वाली लाइन आपकी इसमें नहीं दे रखी, ऊपर नहीं दे रखी, तरीका वही है, एक बट्टे चार को पकड़ लो, एक चार, ठीक है। फिर हमने क्या किया, माइनस का दो आया, ऐसे चलते हैं ना, फिर माइनस का दो आ गया, माइनस का दो यहां लगा दिया, फिर क्या आया, माइनस का एक, ये हमने लगा दिया, फिर क्या आया, प्लस का एक, ये भी हमने लगा दिया, ठीक है। देखो वही तरीका है, चार दुनी आठ, आठ में से एक घटाएंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो क्या आएगा बताओ साहब, सात आ जाएगा, ठीक है। सात एकम है सात, सात में से चार घटाएंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो कितना आएगा, तीन, यहां पे क्या आ गया, तीन आ गया, तीन एकम तीन, तीन और सात कितना हो जाएगा, दस, तीन एकम तीन, प्लस का चिन्ह जोड़ लेंगे, तीन और सात है दस, दस हमने कहां लगा दिया। अब देखो आप, लेकिन अब इस बात को आप बताना कि ये जो बड़ा वाला बट्टा होता है ना, ठीक है, वैसे उत्तर इसका तीन बट्टे दस आना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन कब आना चाहिए, जब यहां पर ये एक होता है, ठीक है। तो ये एक जो होता है ना, इसके बट्टे में देखो ये तीन बट्टे दस आता है, और फिर ये ऊपर जाके क्या बन जाता है, ऐसे दस बट्टे तीन बन जाता है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, आपको उत्तर क्या लगाना है इसमें, देखना पे मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे दस आ जाएगा ना, उत्तर उसका उल्टा हो जाएगा। जब भी ये लाइन नहीं होती ना ऊपर वाली, तो बड़ी वाली लाइन होती है, इसके ऊपर अगर एक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ना, तब हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे जो फ्रैक्शन मिली है ना तीन बट्टे दस, इसको कर देते हैं उल्टा, क्या हो जाएगी, दस बट्टे तीन। ये ट्रिक मान सकते हो, वैसे मेथड से ही बनी है, यहाँ पे ऊपर अगर दो तीन भी आ जाए तब भी इसको उल्टा करके उससे गुणा करते हैं, वो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है, ठीक है साहब। इसकी बात करते हैं, देखो ऐसे सवालों की बात करते हैं। इस सवाल को आप देखिएगा, इस सवाल को देखने से पहले मैं आपको एक और सवाल बताता हूं। मैंने कहा एक बटे एक प्लस तीन बटे दो, दो प्लस चार, एक प्लस पांच, ये सवाल है। देखो कैसे करेंगे, ट्रिक क्या हो सकती है, चार बट्टे पांच, पहले हमने क्या लगाया, चार बट्टे पांच, क्या लगा दिया, चार और पांच, उसके बाद में क्या आया, प्लस का एक, कोई बात नहीं, उसके बाद में क्या आया, प्लस का दो, कोई बात नहीं, उसके बाद में क्या आया, प्लस का एक, कोई बात नहीं, ठीक है साहब, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब मुझे भाई बात बताओ कि अब जो हम क्या करेंगे, अब जो है ना, मुझे बात बताओ, ये तो हमने फ्रैक्शन काम में ले ली, ये हमने फ्रैक्शन काम में ऐसे कैसे ले ली, लेकिन हम ऐसे चलते हैं आपको पता है, और यहां पर भी हम ऐसे ही चलेंगे, लेकिन ये तो पूरा का पूरा हमने काम में ले लिया, पीछे क्या बच गया, दो और क्या बच गया, यहाँ पे तीन बच गया, क्या बच गया, दो और तीन बच गया, इनको आप क्या करोगे, इनके बट्टे में लगा दो, पहले क्या आएगा दो, फिर क्या आएगा तीन आएगा, नहीं समझे बात को, चार बट्टे पांच था, ऐसा कैसे लगा दिया, चार और पांच, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा, एक, सबको पता है, फिर दो लिखेंगे, फिर वापस क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे, ये फ्रैक्शन काम में आ चुकी है, पीछे क्या बच गया, यहां पे पीछे जो भी बच जाता है ना, उनको हमें बट्टे में चिपका देते हैं, ऐसे पहले दो आएगा फिर तीन आएगा, पहले ये दो आएगा फिर ऐसे चलते हैं ना, पहले ये दो फिर ये तीन। अब इसका मतलब क्या होता है आप समझिएगा, पांच एकम पांच, पांच और चार है नौ, तो नौ हम यहां पे लिखते हैं ना, नौ
लिखते नहीं लिखते, लेकिन नो लिखना नहीं है, नो के बट्टे में दो का भाग लगा दो, क्या आएगा बताओ? 4.5, क्या जाएगा? 4.5। सबको पता है ना इस बारे में कि भैया 5 एकम 5, 5 और 4 9 आता है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाना था? 9 लगाना था, लेकिन 9 के बट्टे में 2 है ना, तो 2 का भाग लगा देंगे, क्या आ जाएगा? 4.5। ये इसका आंसर ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ 4.5 को कर देंगे 2 से गुणा, तो 9 आएगा, 9 और 5 कितना होता है? 14। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना था साहब? 14 लगाना था, लेकिन 14 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे किसका भाग लगाएंगे? 3 का, तो 14/3 कितना आता है? जो भी आता है 14/3 ही हो जाएगा। 4.66, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4.66 यहां पे आ जाएगा, 4.66 मिल गया। अब वापिस क्या करेंगे? आपको पता है अगली वाली लाइन हमें और निकालनी पड़ती है, इसको गुणा कर लो, 4.66 गुणा कर लिया, जोड़ देंगे इसको, हाँ यहाँ पे लिख दो आप लोग, तो 4.66 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा? 9.16, तो यहाँ पे कितना आ गया? 9.16, ठीक है, इनको बट्टे में लगा दो, 4.66/9.16, 466/916, इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ गया बात को? ऐसा ही क्वेश्चन ये है, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, आपको समझ में आना जरूरी है। कैसे करेंगे देखो, 4/5 लगा दिया, माइनस का 3 लगाएंगे, प्लस का 2 लगाएंगे, माइनस का 2 लगाएंगे, ठीक है, इसके बाद में ये बिंदु हमने काम में ले ली, 4 और 5 लगा के, ऐसे चलो 1 और 3 लगा देंगे, यहाँ पे 1 का भाग लगा दो, यहाँ पे किसका भाग लगा दो? 3 का भाग लगा, कोई बड़ी बात है नहीं। 5 3 15, माइनस का चिन्ह, इसका मतलब घटाएंगे, तो 15 में से 4 गया, कितना बचेगा? 11, 11 में 1 का भाग लगाएंगे, 11 ही बचेगा, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो साहब, 11 को 2 से गुणा करेंगे, 22, प्लस का चिन्ह 22 और 5, 27, 27 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 3 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 27/3 कितना आ जाएगा? 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे, क्या लिख देंगे भैया? 9 लिख देंगे, 9 × 18, 18 में से क्या घटाएंगे? 11, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, 11 घटा दिए तो कितना बचेगा मुझे बताओ? 18 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा? 7, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 7, तो 9/7 ही क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हम और छोटी छोटी वीडियो के साथ आगे मिलते रहेंगे, ठीक है भैया, गुड बाय।